सिंगरौली में पुलिस ने नशे के विरुद्ध अभियान के तहत छापेमार कार्रवाई की और 800 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चितरंगी थाना प्रभारी डीएन राज ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बरहट में लॉकडाउन के दौरान गांजे का अवैध धंधा किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजे का व्यापार कर रहे आरोपी बल्लू साकेत को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 800 ग्राम गांजा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत 12,000 रुपये बताई जा रही है। आरोपी पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हमको मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ग्राम बरट में एक व्यक्ति जो है स्कूल के पास में गांजा लिए है और विक्रय भी कर रहा है। इस सूचना पर मैंने पुलिस पार्टी बनाई और उपने इच्छुक मनोज सिंह को वहां भेजा। मनोज सिंह ने वहां पर दबिश देकर उसको पकड़ा। उसके पास से अवैध जो है गांजा प्राप्त हुआ करीब 800 ग्राम था, जिसकी कीमत 12,000 रुपया है। उसको मौके से जब्त किया गया है और उसको लाकर उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाकर थाना पर अपराध क्रमांक 156/21-8/20 NDPS पंजीबद्ध किया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।